वेलकम टू नियतिस किचन। नियतिस किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सिंपल और घर के बने हुए पनीर से पनीर भुर्जी की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है और फटाफट से बन जाती है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और इस टेस्टी से रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कढ़ाई में डालेंगे 2 से 3 चम्मच तेल का और 2 बड़े चम्मच बटर का। बटर और ऑयल जब थोड़ा गर्म हो जाएगा फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून जितना जीरा। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी 1 मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ प्याज, और प्याज को हम इसमें ऐड करके अच्छे तरीके से हमारे जो प्याज को सॉटे कर लेंगे लाइट पिंक होने तक। जब हमारा प्याज लाइट पिंक हो जाए फिर हम इसमें अदरक लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच, और उसे भी हम अच्छे से इसमें सॉटे कर लेंगे और तेल छोड़ने तक अच्छे से हम इसमें पका लेंगे। और एक और बार फ्रेंड्स कि अगर आप चाहें तो ये पूरी पनीर भुर्जी को आप सिर्फ बटर में भी बना सकते हैं, थोड़ा सा खाली ऑयल डाल के, या फिर घी में भी आप इसको बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब आप देख रहे हैं कि ऑयल जो है हमारे मसाले में से थोड़ा छूट चुका है, तो हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छे से पक चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 मीडियम साइज की बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, और उसको भी अच्छे से मैं इसमें सॉटे कर लूंगी। फिर 1 मिनट के लिए ढक के पका देंगे, उसके बाद एक बार फिर से चला देंगे। फिर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 बड़े साइज का बारीक कटा हुआ टमाटर, उसको भी ऐड कर लूंगी और उसे भी 1 मिनट तक ढक के पका लूंगी। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा चला के कुछ सूखे मसाले, जैसे 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच जीरा धनिया पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच मैंने यहाँ पे किचन किंग मसाला लिया है। आप चाहे तो गरम मसाला भी ले सकते हैं, बट किचन किंग से टेस्ट बहुत अच्छा लगता है इसीलिए मैंने इसमें ऐड किया है। फिर ऐड कर देंगे स्वाद अनुसार नमक और सभी मसालों को अच्छे से चला देंगे यानी मिक्स कर लेंगे। फिर हम उसको ढक के 1 मिनट के लिए पका लेंगे। ढक्कन खोल के 1 मिनट के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 3 से 4 टेबल स्पून जितना पानी, और फिर एक बार अच्छे से मिला देंगे और फिर इसको ढक के अच्छे से पका लेंगे, जिससे हमारे सूखे मसाले आपस में अच्छी तरीके से पक जाएं। तेल छोड़ने तक हमें मसालों को पका लेना है। तो सारे मसाले पकने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे पनीर। ये क्रम्बल पनीर है जिसे मैंने घर पे ही बनाया है बिना दूध फाड़े। जो हम मलाई स्टोर करते हैं घी बनाने के लिए, उससे जो बचा हुआ पानी होता है उससे मैंने ये पनीर बनाया है। अगर आपने मेरी वीडियो पहले नहीं देखी हो तो मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर कर दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर बटन में मिल जाएगी। जरूर देखिएगा, आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो पनीर डालने के बाद मैंने उसको अच्छे से मिक्स कर दिया और मैंने उसमें 3-4 टेबल स्पून पानी ऐड करके उसे ढककर पकने के लिए 2 से 4 मिनट के लिए छोड़ दिया है। सो 5 मिनट के बाद जब मैंने ढक्कन खोल के देखा तो आप देख सकते हैं कि हमारी पनीर भुर्जी कितनी ज़्यादा टेस्टी लग रही है। ऊपर ऑयल दिख रहा है, इसका मतलब आपकी जो पनीर भुर्जी है वो पक चुकी है। अब हम इसको और थोड़ा सा क्रीमी और टेस्टी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 2 बड़े चम्मच जितना मलाई। जो हम घर पे दूध होता है नॉर्मली उबलता है, मलाई निकलती है, बस वही लिया है मैंने। अच्छे से उसको व्हिप कर लिया है और फिर उसका इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो व्हिप्ड क्रीम जो मार्केट में मिलती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसे अच्छे से डाल के मिला लेने के बाद मैंने इसमें ऐड किया 1 चम्मच कसूरी मेथी का, उसको हाथों से अच्छे से क्रश करके उसे ऐड किया। फिर ऐड किया 1 टेबल स्पून जितना कटा हुआ धनिया। सभी चीज़ों को अच्छे से आप मिला दीजिए। सो आपकी टेस्टी क्रीमी पनीर भुर्जी बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। और एक और बात फ्रेंड्स कि मैंने यहाँ पे अपनी पनीर भुर्जी को ग्रेवी जैसा रखा है, थोड़ा सा पतला रखा है। आप चाहें तो सूखी भी बना सकते हैं, बहुत लोग सूखी भी बनाते हैं। सो हमारी टेस्टी क्रीमी पनीर भुर्जी अब बिल्कुल रेडी है। जैसा मैंने कल आपको प्रॉमिस किया था कि पनीर भुर्जी की रेसिपी आने ही वाली है, क्योंकि मैंने कल ही जब आपके साथ में बिना मैदे के आप बटर गार्लिक नान रेसिपी घर पे कैसे बना सकते हैं वो शेयर किया था, और आज मैं आपके साथ पनीर भुर्जी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अगर आपने अभी तक वो वीडियो ना देखी हो तो जल्दी से जाके वो वीडियो जरूर देखिए कि आप बिना मैदे के टेस्टी गार्लिक बटर नान कैसे घर में बना सकते हैं। तो आप देख रहे हैं इसी वीडियो में, ये रही हमारी टेस्टी बटर गार्लिक नान। एक ही वीडियो में मैंने नहीं इसको सबको डाला क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो हो जाती है इसीलिए। सो है ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी यूनिक और हेल्दी रेसिपीज, तो इसे घर पर बनाना तो बनता है, और आप भी इसे अपने घर पर ज़रूर बनाइए और अपने फ्रेंड्स फैमिली और अपने बच्चों को ज़रूर खिलाइए। और मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आप सभी को कैसा लगा। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो, कुछ भी अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को ढेर सारा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के हाथ में ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस टेस्टी और हेल्दी रेसिपी और सिंपल रेसिपी को घर पर बना सके। और ऐसी और भी नई नई यूनिक रेसिपीज़ देखने के लिए नियतिस किचन को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और बिल्कुल मत भूलिएगा बेल आइकॉन पर प्रेस करना, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप इस वीडियो को सबसे पहले देख पाए और कोई भी बेस्ट वीडियो आपसे मिस ना हो, क्योंकि नियतिस किचन पे आपको ऐसी नई नई और यूनिक रेसिपीज मिलती रहती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपसे इसी तरीके की न्यू बेस्ट और अमेजिंग वीडियो में। तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग नियतिस किचन। बाय बाय।